नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीता पहला गोल्ड। प्रिया मलिक को बधाई देने में लोगों ने की बड़ी गलती। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अच्छी शुरुआत की है। इसके खाते में पहले दिन ही मेडल आ गया। वेटलिफ्टिंग मीराबाई चानू ने शनिवार को 50 किलोग्राम में वर्ग से सिल्वर मेडल जीता। जीत के बाद चानू सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। उनके साथ भारत की पहली रेसलर प्रिया मलिक की भी चर्चा होने लगी और वह सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई। लोग प्रिया मलिक को बधाई देने लगे। यूजर्स प्रिया मलिक को बधाई देते हुए एक बड़ी गलती कर बैठे। लोगों ने प्रिया मलिक की एक तस्वीर साझा की और उन्हें टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जिताने की बधाई दी। बता दें कि प्रिया मलिक ने टोक्यो ओलंपिक में नहीं बल्कि हंगरी के बुडापेस्ट में एक विश्व कैंडिडेट कुश्ती चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता। प्रिया मलिक ने यह कारनामा 73 किलो भार वर्ग में किया है। ट्विटर पर रविवार सुबह से हैशटैग प्रिया मलिक ट्रेंड कर रहा है। अधिकांश लोग बिना पूरी जानकारी के प्रिया मलिक को बधाई दे रहे हैं। वहीं कुछ ने इस गलती को पकड़ लिया कि जो फोटो ट्रेंड हो रही है वो टोक्यो ओलंपिक की नहीं है। कुछ यूजर्स ने इस बहाने आमिर खान की फिल्म दंगल का वो डायलॉग लिख लिया जिसमें कहा जाता है कि गोल्ड तो गोल्ड होता है। कुछ यूजर्स ने प्रिया मलिक की तारीफ करते में दंगल का वो डायलॉग भी लिखा जिसमें आमिर खान कहते हैं कि मेरी छोरियां क्या छोरी से कम नहीं।